आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति को धार देने में जुटे हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी में भी लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रही है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ प्रदेश भर में भ्रमण करेगा, दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोटों को साधने की कोशिश करेगा। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि यह रथ पूरे प्रदेश में पीडीए जागरूक करने के लिए निकाला जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में पीडीए के सामने एनडीए गठबंधन की हार होगी। इसको रोका जाए, लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, डॉक्टर रामन लोहियाई के सपने और नेताजी का संघर्ष जो रहा है देश का लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए, ये बचे उसके लिए भी जन जागरण करने का काम हमारे सैनी समाज, मौर्य समाज, साख समाज के लोग निकल पड़े हैं। शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, पुरानी पेंशन बहाल हो और शिक्षा को जिस तरीके से प्रायोरिटी हाथ में दिया जा रहा है, आज प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल हो गया या इंटरमीडिएट हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, आईटीआई हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, मेडिकल कॉलेज हो गए, ये संभव ही नहीं है गरीब पढ़ पाए। इसलिए जिस तरीके का शिक्षा में व्यापार चल रहा है वो भी रोका जाए। इन तमाम सवालों को लेकर के रामतार सैनी जी और उनके सहयोगी साथी सब निकले यात्रा पर। 25 तारीख को बिजनौर में यात्रा का समापन होगा, उसमें हम लोग पहुंचेंगे और बड़े कार्यक्रम के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा।